क्या आप जैकेट्स और कोट्स बनाना चाहते हैं मगर नहीं जानते कि कौन से कपड़े का प्रयोग किया जाए, कौन सा फैब्रिक यूज किया जाए, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र तुषार, चारू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक फैशन फैब्रिक कंपनी है नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में। मित्रों, जैकेट्स और कोट्स बनाने के लिए आपको दो मुख्य प्रकार के कपड़ों की फैब्रिक्स की आवश्यकता होगी। पहला प्रकार है शेल फैब्रिक। किसी भी जैकेट या कोट के बाहरी कपड़े को, आउटर फैब्रिक को, शेल फैब्रिक कहा जाता है। शेल फैब्रिक को ही सब लोगों की आंखें देख पाती हैं। शेल फैब्रिक का प्रिंट, कलर, डिजाइन, टेक्सचर, शेप इत्यादि ही लोगों को विजिबल हो पाता है। मौसम से रक्षा करने में शेल फैब्रिक अहम भूमिका निभाता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि शेल फैब्रिक्स में आपके लिए कौन कौन से फैब्रिक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कपड़ों के विकल्प उपलब्ध हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला विकल्प आपके लिए है वूल फैब्रिक का। टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कपड़ों के विशेषज्ञों के अनुसार, वूल फैब्रिक विंटर जैकेट्स और कोट्स, सर्दियों में प्रयोग होने वाली जैकेट्स और कोट्स बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम विकल्प है। भेड़ की ऊन से निर्मित वूल फैब्रिक लाइटवेट, हल्का फुल्का होने के साथ साथ ड्यूरेबल अर्थात टिकाऊ भी होता है। वूल फैब्रिक में एयर पॉकेट्स होती हैं, अर्थात हवा की छोटी छोटी जेबें होती हैं, जो कि जैकेट्स और कोट्स को नेचुरल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, या कहें प्राकृतिक तापावरोधन उपलब्ध कराती हैं, जिस कारण वूल से बने जैकेट्स और कोट्स सर्दियों में बहुत गर्म रहते हैं। वूल फैब्रिक वाटर रिपेलेंट अर्थात जल प्रतिरोधी होता है और गीले मौसम में आपको ड्राई, सूखा रखने में सहायता करता है। दूसरा फैब्रिक जिसे आप शेल फैब्रिक की तरह प्रयोग कर सकते हैं अपनी जैकेट और कोट बनाने के लिए, वो है फोक फर। इसे कई बार फोक्स फर के प्रोनंसिएशन, उच्चारण से भी पुकारा जाता है। इसका अर्थ होता है नकली फर। एक्रिलिक और मॉड एक्रिलिक पॉलीमर से निर्मित ये नकली फर असली फर के समान गर्माइश, वार्म्थ प्रदान करता है। असली फर की तुलना में फो फर की देखरेख करना बहुत सरल है। इसका अर्थ यह है कि फो फर से निर्मित जैकेट बहुत लंबे समय के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तीसरा फैब्रिक जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं जैकेट बनाने के लिए, वो है फ्लैनल। फ्लैनल अविश्वसनीय रूप से आरामदायक, मजबूत और टिकाऊ फैब्रिक है। वूल के समान ही फ्लैनल में भी हवा की छोटी छोटी जेबें होती हैं, जो कि आपको ठंड से सुरक्षित रखती हैं। फ्लैनल फैब्रिक की सबसे खास बात इसकी वर्सेटैलिटी है। फ्लैनल फैब्रिक से बने जैकेट्स और कोट्स कैजुअल और फॉर्मल दोनों ही ओकेशंस, दोनों ही परिस्थितियों में पहने जा सकते हैं। अगला फैब्रिक जिसे आप शेल फैब्रिक की तरह प्रयोग कर सकते हैं, वो है कॉर्ड्रॉय फैब्रिक। कॉर्ड्रॉय एक ऐसा फैब्रिक है जो कि फैशन से कभी बाहर नहीं होता। गर्मी प्रदान करने वाला आकर्षक कॉर्ड्रॉय फैब्रिक अपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन, अनोखी बनावट के कारण थिक, मोटा होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट, मुलायम होता है। मित्रों, अब बात करते हैं वंडर फैब्रिक, जादुई कपड़े हेम्प की। यह एक ऐसा फैब्रिक है जो गर्मियों में ठंडक एवं सर्दियों में गर्माइश प्रदान करता है। हेम्प फैब्रिक सेंसिटिव स्किन, संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उत्तम विकल्प है। हेम फैब्रिक के ऊपर हमने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मित्रों, आज के समय में पॉलिस्टर के फाइबर, पॉलिस्टर के रेशे से बने हुए फ्लीस फैब्रिक का बड़ी मात्रा में विंटर जैकेट्स का निर्माण करने में प्रयोग होता है। 100% मशीन वॉशेबल, 100% मशीन में धोए जा सकने वाला फ्लीस फैब्रिक सॉफ्ट, मुलायम होने के साथ साथ कड़क ठंड से भी बचाता है। हालांकि ये वाटर रेसिस्टेंट, जल प्रतिरोधी नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय जैकेट फैब्रिक की, और वो है कॉटन से बना डेनिम फैब्रिक। ट्विल वीव में बुना हुआ डेनिम फैब्रिक हल्के ठंडे मौसम के लिए एकदम उपयुक्त है। जितने अलग अलग प्रकार के फिनिशेस, जितनी वैरायटी डेनिम फैब्रिक में मिलती है, शायद ही किसी और फैब्रिक में मिलती हो, और इसी कारण डेनिम फैशन डिजाइनर्स का चहेता फैब्रिक है। मित्रों, अगर आप समर्स और स्प्रिंग, गर्मी और बसंत के मौसम में प्रयोग करने के लिए जैकेट और कोट बनाना चाहते हैं, तो लिनन फैब्रिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
मित्रों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि जैकेट्स और कोट्स बनाने में आपको दो मुख्य प्रकार के फैब्रिक्स की आवश्यकता होगी। पहला प्रकार शेल फैब्रिक्स, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा मुख्य प्रकार है लाइनिंग फैब्रिक। लाइनिंग फैब्रिक का प्रयोग करने के कई कारण है। पहला कारण, लाइनिंग फैब्रिक की वजह से जैकेट और कोट अपनी शेप मेंटेन कर पाते हैं, अपना आकार बनाए रख पाते हैं। दूसरा कारण, लाइनिंग फैब्रिक इंसुलेशन की एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, तापावरोधन की अतिरिक्त परत प्रदान करता है, जिस कारण ठंड से बचाव होता है। तीसरा कारण, लाइनिंग फैब्रिक कोर्स शेल फैब्रिक, खुरदरा शेल फैब्रिक जैसे कि वूल और वियरर पहनने वाले के बीच एक सॉफ्ट लेयर, मुलायम परत प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैकेट और कोट शरीर को चुभते नहीं है और आरामदायक कंफर्टेबल प्रतीत होते हैं। मित्रों, लाइनिंग फैब्रिक्स में आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे कि सिल्क, कूप्रो फैब्रिक, कॉटन, पॉलिस्टर इत्यादि। मित्रों, इन सभी लाइनिंग फैब्रिक्स की अधिक जानकारी के लिए आप इन फैब्रिक्स पर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे फैब्रिक से बनाए हुए प्रोडक्ट्स आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। जैकेट और कोट्स के फैब्रिक की कलेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसी भी प्रकार की फैब्रिक्स की जानकारी के लिए आप हमें +91997110600 पर कॉल कर सकते हैं या charu@charu.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। मित्रों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।